गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल उर्वशी। सो गाइज इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्टेप बाय स्टेप एक ग्लैम पार्टी लुक। आप इसे किसी भी लाइक पार्टी में क्वेश्चन में आप इसे अचीव कर सकते हो नाइट आउट के लिए। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फर्गेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो उस बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्किन केयर से स्टार्ट करूँ मैं यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का टोनर अप्लाई करा है, ये मुलबेरी टोनर है, काफ़ी अच्छा टोनर है, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और प्रेप कर देता है। सो इस तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर आप कोई अच्छा बेस चाहते हो तो ऑब्वियसली पहले आप स्किन केयर करो, देन इसके बाद मैं यहाँ पे बायोटिक का सीरम अप्लाई कर रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा सीरम है, अगर आपके ऑयली बेस है स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आपको काफ़ी अच्छा सीरम लगेगा। सो इसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का यहाँ पे मैं प्राइमर यूज़ करूँ। काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है ये, एकदम सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और अच्छे से ब्लर आउट कर देता है ये जो भी पोर्स होते हैं। देन इसके अंदर थोड़ा सा पिंक कलर का टिंट है, जिससे क्या होता है ना आपका जो भी थोड़ा अगर आपको कलर करेक्शन की ज़रूरत होगी तो उस तरह से ही फिल आउट कर देगा। सो यू कैन सी कितना ज़्यादा प्यारा मतलब पिंक सा टिंट आ गया है। सो काफ़ी अच्छा वाला ये प्राइमर है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँ। आपको आईब्रोज़ को हमेशा फिल करना चाहिए, आपको स्किप नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा आपके फीचर्स डिफाइन होते हैं। सो इस तरह से मैं अपने आपके मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया। यू कैन सी कितना ज़्यादा डिफाइन हो गया है आईब्रो फिल करने से फेस। देन इसके बाद जो सेम स्पूली आता है उसकी हेल्प से मैं इस तरह से कॉम आउट कर रही हूँ उसे। सो मैंने इस तरह से कर लिया है। देन इसके बाद मैं अभी डार्लिंग इज़ाबेला का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हम जो भी कलर्स लगाएंगे बहुत अच्छे से इन्हांस होंगे। सो मैंने इस तरह से अपने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई कर लिया और जो आईब्रोज है उसे शार्पनर दिखाने के लिए मैंने आईब्रोज के ऊपर भी इस तरह से इसे अप्लाई कर लिया। सो दोनों आईज पे मैंने सेम प्रोसेस किया है यहाँ पे। सो इस तरह से मैंने कंसीलर लगाया, आप यू कैन सी आप देख सकते हो। देन इसके बाद मैंने एक लाइक सेटिंग स्प्रे की हेल्प से आप लाइक टोनर भी अप्लाई कर सकते हो। देन उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर अपने ब्लेंडर को डैम किया है और इस तरह से मैंने इसे अप्लाई करा है। सो जो कुछ भी है मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया है। सो यहाँ पे मैं बेला का यहाँ पे लाइक कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और जो भी लाइक मेरा कंसीलर मैंने अप्लाई करा है वो क्रीज आउट ना करे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे हुडा बेटी का यहाँ पे पैलेट यूज़ कर रही हूँ और एक ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए ये ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ। सो यू कैन सी आपको कलर जो डिपॉजिट करना है वो इस तरह से डिपॉजिट करना है, आपको राउंड एंड राउंड लेकर आपको इनर तक आना है, एकदम से इस तरह से आपको नई ब्रश लेके इन एंड आउट करना है, इस तरह से नहीं करना, आपको राउंड एंड राउंड लेकर आना है। इससे क्या होगा ना जो आपका ब्रश की जो पिगमेंटेशन होगी वो आपके नोज़ एरिया साइड पर नहीं लगेगी। सो आपको बहुत स्लो हैंड से आपको ये चीज़ें करनी है। देन इसके बाद जो हल्का लाइक लाइट कलर है उससे मैंने अपनी आइज़ को अच्छे से पूरा सेट आउट सेट कर दिया। देन मैं एक ब्रश ले रही हूँ क्लीन ब्रश और उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ बिकॉज जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो आइज़ के ऊपर आ जाए। देन मैंने अगेन एक ब्रश लिया है, फ्लफी ब्रश है ये, और इससे मैं अपनी आउटर व्यू को डिफाइन कर रही हूँ। ब्लैक कलर मैंने पिक किया है और यू कैन सी इस तरह से मैंने इसे अप्लाई किया जस्ट आउटर फोर पे बिकॉज एक डेप्थ आ जाएगी इससे, जो हमारे कलर्स होंगे और भी ज़्यादा इन्हांस और पॉप आउट लगेंगे। देन मैं यहाँ से स्मोकी से इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे कॉपर काइंड ऑफ कलर पिक कर रही हूँ, गोल्डन में कॉपर कलर है ये, और इस तरह से मैंने इसे अप्लाई करा है। एंड देन इसके बाद सेम जो मेरा ट्रांजिशन कलर था उसे मैं अगेन बिल्ड कर रही हूँ, वो डिफ्यूज़ हो गया था। देन इस तरह का मैंने ब्रश लिया है, एक पेंसिल काइंड ऑफ ब्रश है, और इसमें से मैं ब्राउन कलर जो मैंने अपने ट्रांजिशन बिल्ड किया था वो लेके एक्सेस डस्ट ऑफ करके मैं इस तरह से इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने लाइक लोअर लैश लाइन पर। सो इस तरह से देन इसके बाद मैंने यहाँ पे मैक का काजल यूज़ किया, आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो। एंड इस तरह से मैंने इसे अप्लाई करा है, बहुत थिन सा मैंने बनाया है। सो दोनों आइज़ पे मैंने इफेक्ट दे दिया। देन इसके बाद मैंने सेम वाटर लाइन के ऊपर जो हमारे उसके ऊपर भी मैंने इसे टाइट लाइन कराया है। देन मैं यहाँ पर लैक्मे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ और एक बहुत बेसिक सा मैं यहाँ पर लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। सो इस तरह से मैंने इसे लाइनर को ड्रॉ करा है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर विंग के उसमें बनाया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ एंड देन इसके बाद सेम ब्रश की हेल्प से, पेंसिल ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश है ये, और इसे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ओके देन मैंने यहाँ पे फॉल्सेस लगा लिए हैं, ये स्किप भी कर सकते हो आप, अच्छा मस्कारा की कोट लगा सकते हो। सो मैंने यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा यूज़ करा है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, वाटर प्रूफ मस्कारा, ये आप ले सकते हो अगर आपको अच्छा मस्कारा देख रहे हो तो, मेबलिन में काफ़ी अच्छे मस्कारे होते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पे लाइक फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ करा है, 230 नंबर है मेरा और काफ़ी अच्छा वाला फाउंडेशन है ये, इसे आप बिल्ड भी कर सकते हो हाई कवरेज के लिए भी। सो इस तरह से मैंने डॉटेड फॉर्म में लगा लिया है, आपको हमेशा डॉटेड फॉर्म में लगाना चाहिए और थोड़ा सा फाउंडेशन को वॉर्म करना चाहिए अपने हैंड से,
और इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया। तो आपको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है और थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट लेके आपको बिल्ड करना है, आपको बहुत सारा अमाउंट लेके नहीं करना, बिकॉज फिर वो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होगी, आप दोबारा उसे बिल्ड कर सकते हो। ओके, सो मैंने इस तरह से इसे अप्लाई कर लिया अच्छे से, आपके हेयर लाइंस के पास भी इसे अप्लाई करना है, वरना आपका कलर थोड़ा सा अनइवन लगेगा। और मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसे सेट आउट कर दिया। आप इसे बेक भी कर सकते हो, अगर आपके ड्राई स्किन है तो आप बेक करोगे तो शायद क्रीज हो जाएगी आपको, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप बेक कर सकते हो। सो स्टिक और की का मैं यहाँ पे कॉन्टोर स्टिक ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। ओके, सो इस तरह से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग करने से क्या होगा, जो हमारा फाउंडेशन है, हमारा जो फेस है, बिल्कुल वाइट लगता है। अब इससे क्या होगा ना, एक शेडो हमारे फेस पे मिल जाएगी और एक ज़्यादा हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा स्कल्प्टेड लगेगा। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर लिया और ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह से इसे हेयर लाइन के अंदर आपको इसे अप्लाई करना है, जो लाइन के आपको नीचे की तरफ इसे इस तरह से मर्ज करना है। सो इस तरह से मैंने इसे ब्लेंड आउट कर दिया है। ओके, सो अच्छे से आपको ब्लेंड करना है इसे, तो ताकि जो कुछ हार्श ना लगे, ऐसा ना लगे कि आपने हार्श कॉन्टोरिंग करी है। सो आपको इसको जो मर्ज करना है, अपने हेयर लाइन के पास ही मर्ज करना है। ओके, सो इस तरह से मैंने कर लिया, नोज़ के पास ही मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया। ओके, सो मैं यहाँ पे ब्राउन्ज़र के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का ब्राउन्ज़र यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से इसे कर रही हूँ, इसे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। सो आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अच्छे से कॉन्ट्रोलिंग कर रही हूँ। ओके, और नेचुरल कॉन्ट्रोलिंग होगी, हार्श नहीं लगेगी आपके फेस पे, सो यू कैन सी। देन इसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे इस तरह से कर दूँगी, जो कि कोई भी हार्श अगर लग रहा है तो उस तरह से वो थोड़ा सा कम लगेगा, सो यू कैन सी। ओके, सो मैंने यहाँ पे एंजल रोज का यूज़ करा है और यहाँ से मैं एक कोरल काइंड ऑफ कलर पिक कर रही हूँ। सो इस तरह से मैंने ब्लश अप्लाई करा है, काफ़ी अच्छा ब्लश है ये। ओके, तो थोड़ा सा नोज़ पे या फॉरहेड पे मैंने इसे अप्लाई करा है। सो मैं यहाँ पे हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। सो मैंने यहाँ पे पिंक काइंड ऑफ हाईलाइटर अप्लाई करा, सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप कुछ नया ट्राई करते हो तो। ओके, सो मैंने सिल्वर नहीं हाईलाइटर अप्लाई करा, गोल्डन नहीं करा, पिंक मैंने हाईलाइटर अप्लाई करा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आया। ऐसे पिंक हाईलाइटर भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो मैंने नोज़ पे जो भी हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं मैंने वहाँ पे अप्लाई कर लिया, ऐसे नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, फॉरहेड। ओके, सो मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, चिन पे भी अच्छे से अप्लाई कर लिया। सो मैंने अच्छे से यहाँ पे, क्योंकि नाइट लुक है ये, तो इसलिए हाईलाइटिंग मैंने अच्छे से करी है। पर्पल का मैंने यहाँ पे लिप क्रॉन यूज़ करा है, काफ़ी अच्छा वाला लिप क्रॉन है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये स्मज नहीं करता, नायका का है जो स्मज करता है, बट ये स्मज नहीं करता, ये बहुत मस्त है। मतलब हेयर इज़ माई फाइनल आउटकम। आई जस्ट होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फर्गेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो आप बेल बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे। सो इन सब प्रोडक्ट्स के जो कुछ भी लिंक होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो आप उसके थ्रू चेकआउट कर सकते हो। एंड आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं और विशी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू सून, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।